दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्राइडिंग प्रोसेस के बारे में। नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या होती है, ये कितने टेम्परेचर पे होती है और ये किस काम आती है। तो जैसे कि कार्बोराइजिंग प्रोसेस हमने पहले डिस्कस की थी, कार्बोराइजिंग का मतलब था कार्बन कंटेंट को बढ़ाना। कहाँ पे? जो हमारे लो कार्बन के मात्रा वाले पार्ट्स थे, स्टील के पार्ट्स थे, उनकी जो सतह को हार्ड करना, किससे? कार्बन के कंटेंट को बढ़ाकर, तो उसको हम बोलते थे कार्बोराइजिंग। इसी तरह से नाइट्राइडिंग क्या है कि अगर हम सतह पर नाइट्रोजन के एटम को डालें और क्या हो, एलोए नाइट्राइड बने। इसके लिए जो मेन हमें चाहिए, इसके लिए हमें एलोएज चाहिए जिनके ऊपर हम ये प्रोसेस करते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइड बनाए और वो मिलकर जब इसके सतह से मिले एलोएज की, तो एलोए नाइट्राइड बनाए, जिससे कि वो काफी ज्यादा सख्त होती है और वो काफी ज्यादा सख्त हमें मिले। तो किसी भी केस को हार्ड करना, जो एलोए है हमारे स्टील के उनका, जैसे निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, वैनेडियम हो गया, इस तरह के जो एलोएज हैं उनकी सतह को हार्ड करना नाइट्रोजन से, ताकि उनका हम यूज कर सकें जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट है। नाइट्राइडिंग प्रोसेस है एक बहुत अच्छी प्रोसेस है जो यूज की जाती है पार्ट्स के, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं, जैसे गियर्स हैं, कैम्स हैं, उनको हार्ड करने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है नाइट्राइडिंग। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन का यूज करके हम सतह को हार्ड करते हैं जो एलोएज की सतह होती है। तो कोई भी एलोए ले लेंगे तो उसकी सतह पर हम नाइट्रोजन के एटम को इससे रिएक्ट करवाएंगे और क्या होगा, जो इसकी सतह है वो कुछ डीप तक हार्ड हो जाएगी। तो जो केस है वो हार्ड हो जाएगा, ये जो केस है ये हार्ड हो जाएगा, काफी हार्ड होता है एज कंपेयर टू अगर हम कार्बोराइजिंग प्रोसेस की बात करें तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस से काफी हार्ड हो जाता है ये। और बीच में ये जो कोर है, ये कोर होती है, ये नरम ही रहती है। तो केस को हार्ड करना, उसके ऊपरी सतह को हार्ड करना, जो हमारे एलोएज हैं उनकी को, उसको बोलते हैं नाइट्राइडिंग, नाइट्रोजन का यूज करके। तो ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक बंद कंटेनर लिया जाता है जिसके अंदर हमारे जो एलोएज होते हैं, एलोएज के पार्ट हैं वो रखे जाते हैं। ये एलोएज हैं, इन पार्ट्स को रखा जाता है, एयर टाइट कंटेनर होता है ये, इसके अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं इनलेट और आउटलेट के लिए, किसके? अमोनिया गैस के। तो अमोनिया गैस यूज की जाती है क्योंकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, तो नाइट्रोजन जो है वो इसकी सतह, जो पार्ट की सतह होती है नाइट्रोजन, इसकी सतह के साथ रिएक्ट करता है और एलोए नाइट्राइड में बदलता है, जिससे कि इसकी जो सतह है एलोएज की काफी सख्त हो जाती है। तो वो कैसे होती है, किस टेम्परेचर में होती है, पहले इस एयर टाइट कंटेनर के अंदर इनको रख दिया जाता है और यहाँ पे ट्यूब्स लगी होती हैं ताकि हम कंटिन्यूअसली लगातार अमोनिया की गैस का फ्लो कर सकें एक निश्चित दबाव के ऊपर, निश्चित प्रेशर के ऊपर। इसको हम इस फर्नेस के अंदर रखते हैं, इसको मफल फर्नेस रखते हैं, कहते हैं मफल फर्नेस, इस फर्नेस का नाम है मफल फर्नेस। तो इसके अंदर इस कंटेनर को रखा जाता है, ये कंटेनर इसके अंदर रखा जाता है जिसके अंदर हमारे पार्ट्स होते हैं, जो एलोएज के पार्ट हैं, और इसके अंदर से क्या होता है, जो अमोनिया है उसको गुजारा जाता है। इसका हम टेम्परेचर राइज करते हैं लगभग 480 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस तक, जो रेंज होती है टेम्परेचर राइज करने की इन पार्ट्स की, ये होती है, यानी कि जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है उसे नीचे ही रखते हैं। तो 480 डिग्री सेल्सियस से लगभग 650 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको गर्म करते हैं और उसी टेम्परेचर के ऊपर लगातार अमोनिया जो गैस है वो इससे गुजारी जाती है, जिससे क्या होता है, अमोनिया टूट जाती है, जिससे क्या होता है, अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ, जो इसकी सतह होती है पार्ट्स की, इतने टेम्परेचर पर उससे रिएक्ट करते हैं और उसकी सतह को ऊपर एलोए कार्बाइड बनाते हैं, जिससे उसकी जो सतह है उसको वो हार्ड कर देते हैं। तो काफी हार्ड सतह हमें मिलती है। तो उससे क्या होता है, उसके बाद इस पे टाइमली इसको काफी टाइम तक इसको गर्म करना पड़ता है, रखना पड़ता है इतने टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम कार्बोराइजिंग से इसको कंपेयर करें तो ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद इसको फिर आराम आराम से ठंडा किया जाता है, अमोनिया गैस का जो इसके ऊपर फुहार छोड़ते रहते हैं जैसे जैसे ठंडा होता रहता है, तो
तो ठंडा होने के बाद जो हमें पार्ट मिलता है उसकी जो सतह होती है नाइट्राइडिंग के कारण काफी हार्ड हो जाती है। तो इसका यूज काफी जगह किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर किया जाता है, इंजन के पार्ट्स के अंदर किया जाता है, कई जगह किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।